हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनी स्टडी वीडियोस। आज 16 अक्टूबर और 16 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाया गया है 15 अक्टूबर, यानी कल ही मनाया गया है। अच्छा, राष्ट्रीय महिला किसान दिवस जब 15 अक्टूबर को मनाया गया, एक और चीज़ मनाया जाता है, किसान दिवस मनाया जाता है भारत में, तो वो कब मनाया जाता है? वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर मनाया जाता है, और वो कब होता है? वो 23 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी 23 दिसंबर को किसान दिवस और 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? ये वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार मैरी से कॉडे ने जीता है। देखिए, अभी तक सब लोग नोबेल पुरस्कार सुने हैं, कई फील्ड्स में दिया जाता है, 6 फील्ड्स में दिया जाता है। अब ये वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार क्या है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इस बार का 2018 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है, तो इस वजह से 100 से ज़्यादा लेखक और पत्रकारों ने मिलकर एक न्यू अकेडमी अवार्ड दिया है, उसी को ये वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार समझा जा रहा है, उसी को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार बोला जा रहा है। तो किसे मिला है? ये मैरी से कॉडे को मिला है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में 6वां अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला कहाँ आयोजित होगा? यानी अभी हुआ नहीं है, ये आज 16 को आज इसका उद्घाटन होगा। तो कहाँ पे होगा ये हाल ही में 6वां अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला? ये होगा हमारे देश के कैपिटल नई दिल्ली में आयोजित होगा ये अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला। रेशम से एक चीज़ याद आया कि रेशम के उत्पादन में भारत का दूसरे स्थान है। तो ये क्वेश्चंस भी दे सकता है एग्जाम्स में कि रेशम के उत्पादन में भारत किस स्थान पे है, तो पूरे विश्व में भारत है दूसरे स्थान पे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में वायु प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान कहाँ लागू किया गया? यानी GRAP, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान कहाँ लागू किया गया वायु प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए? तो लागू किया गया दिल्ली में। दिल्ली में क्यों लागू किया गया? क्योंकि दिल्ली में दिवाली के बाद की शहर बहुत गंदी हो जाती है, वहाँ बहुत प्रदूषण हो जाता है, तो इसलिए इसको लगाया गया है GRAP को, जिससे पहले से ही पता चल जाए कि कितनी वहाँ पे प्रदूषण होने वाला है, उसको पहले से मुकाबला किया जा सके। तो ये 4th क्वेश्चन हो गया। इसे लागू किसने किया है? इसे NPCB ने लागू किया है, यानी नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसे लागू किया है GRAP को, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में 6वीं अंतर सत्रीय मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? अंतर सत्रीय मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई? ये आयोजित हुई है सिंगापुर में। ठीक है, तो इस बैठक में कौन से लोगों ने भाग लिया है? इस बैठक में आसियान देशों ने भाग लिया है। आसियान देशों ने भाग लिया, तो आसियान क्या चीज़ है? आसियान एक समूह है जो कि दक्षिण पूर्व देशों का, आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, उसका मुख्यालय इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में है। इसमें आसियान कंट्रीज में 10 मेंबर स्टेट हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं। दोस्तों, आज के ये 5 क्वेश्चन हो गए आज के दिन के। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले रेगुलर वीडियो आपको मिलता रहे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको ग्रुप स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसको शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छे से काम करने की कोशिश करते हैं। तो थैंक यू।